श्री जापती ने कहा कि नेपाल व भारत में नहीं चलने देंगे फेक सप्लीमेंट। दोनों देशों के युवाओं की बेहतर स्वास्थ्य हेतु फेक को फेक के कारोबारियों से रहना होगा सावधान। माज खान, फेक सप्लीमेंट से किडनी, लीवर समेत तमाम तरह की होती है बीमारियां। नेपाल व भारत के युवाओं से धन कमाने वाले व्यापारियों द्वारा ब्रांडेड सप्लीमेंट की कंपनियों द्वारा निर्मित सप्लीमेंट का फेक सप्लीमेंट बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है, जिसके खाने से लीवर किडनी चेस्ट फेफड़े की बीमारी से ग्रसित होकर युवाओं को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, जिससे बचने हेतु फिटनेस की दुनिया में लीन रहने वाले युवाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी जागरूकता अभियान को नेपाल व भारत के फिटनेस गुरुओं के संयुक्त तत्वाधान में मुहिम में जागरूकता को बढ़ाने की जिम्मेदारी के तहत युवाओं को बेहतर सेहत के लिए जी जान आई के सौजन्य से मुहिम बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। थैंक यू सो मच अहमद भाई, सो थैंक यू सो मच। सो गोरखपुर आने का मकसद एक ये है कि जो मैं जो फील्ड में आया हूँ, मैं बड़ी बिल्डिंग में जो 30 साल से लग रहा हूँ इसमें, तो अब आने वाले यूथ के लिए बड़ी बिल्डिंग क्या है और सप्लीमेंट क्या है, तो इसके जितना भी मैंने जो नॉलेज है मेरे पास वो शेयर करने के लिए आया हूँ। एक भाईचारे के तरीक़े से यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, वहाँ से कुछ ले यहाँ दे के जाएंगे। तो इसके साथ साथ कुछ और भी जुड़ा है, हम सोच रहे हैं कि एक कंपटीशन करना है, बहुत कुछ चीज़ है इसमें। सप्लीमेंट्स में देखा जाए तो डुप्लीकेसी की मार्केट बहुत आ गए हैं, इसमें क्या राय देना चाहिए? तो फेक ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अभी नेपाल में भी इंडिया में भी बहुत फेक सप्लीमेंट आया है, तो जो फेक सप्लीमेंट्स के कारण बहुत लोगों का हार्ट अटैक हुआ है, बहुत डेथ की खबर सुना है। तो बड़ी बिल्डिंग में जो फेक है उसको ही बंद करने के लिए हम लड़ रहे हैं। आदमी कैसे पहचाने कि फेक है कि करेक्ट है? तो अभी हमें जो एक जो हमारा जो ब्रांड है इसमें जो इसमें हम एक फ्रेंच फ्राइज लगा रखा है, उसमें जो आप बार कोड यूज करेंगे तो उसमें फेक क्या है और फेक और नॉर्मल ओरिजिनल क्या है, फेक क्या है, वो आपको पता चलेगा। तो हम वो कर जो भी आप ब्रांड्स ले रहे हैं, आप एक जिस तरीके से ऑथराइज डीलर होता है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसी तरीके से इस यहाँ पे भी ऑथराइज डीलर इस सेगमेंट में भी होता है। तो आप फर्स्ट तो ऑथराइज डीलर से लें, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लें, सेकेंड चीज हर यहाँ पे इंडिया में हर चीज पे आप बिल लें, जीएसटी बिल, तो ये सबसे बड़ी पहचान हो जाती है। किस तरह की मुहिम चला रहे थे? आज हम लोगों ने छोटे से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने फेक को फेक को, और आज हमारा साथ नेपाल से भी सर आए हैं। इस मुहिम का नाम ही है फेक को फेक। कार्रवाई कैसे होगी? नहीं, फेक देखिए, जब आप कहीं भी जाएंगे तो जो ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, उसमें एक टैग लगाते हैं हम, अब इम्पोर्टर टैग लगाते हैं, तो वो आप बार कोड से यूज करेंगे तो वहाँ पे लगेगा कि किस साल में बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कितना इसमें सप्लीमेंट लोड नंबर और इसमें प्रोटीन कितना है, काफ कितना है, वो सब उसमें देखेगा। और आपको लेना है GZI कार्ड लेंगे तो उसमें पूरा ओरिजिनल उसमें मिलेगा। इस बाबत GZI कार्ड निकट सन प्लाजा होटल गोलघर पर आयोजित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के धर्मश्री व वुल्समैन विना मिलन विक्रम सी जाप्ती, जो नेपाल देश के फिटनेस गुरु है, उन्होंने कहा कि फेक सप्लीमेंट ने देश के युवाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर धन कमाने में लगे हैं और देश के धरोहर युवाओं की सेहत बर्बाद करने में उतारू है। भारत के GZI कार्ड के निदेशक फिटनेस गुरु माज खान द्वारा जागरूकता मुहिम को बढ़ाने में साथ देकर नेपाल देश अग्रणी भूमिका निभा रही है। भारत व नेपाल देश के युवाओं की फिटनेस बेहतर व सुखद रहे, उसके लिए मैं स्वयं भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया हूं। इस बाबत पत्रकार वार्ता के दौरान फिटनेस गुरु माज खान ने कहा कि फिटनेस इंडस्ट्री एक सही तो वही दूसरी तरफ फेक का कारोबार चल रहा है। फेक सप्लीमेंट से बचाने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं व जिम ट्रेनरों द्वारा साझा कर फेक को फेक ही दिया जाए, उसके लिए प्रत्येक युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब तो भारत की GZI कंपनी ने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के फिटनेस गुरु के साथ मिलकर बेहतर व ओरिजिनल सप्लीमेंट का प्रयोग करने की जागरूकता तेजी से चलाया जा रहा है।
नेपाल देश से आए भारत में फिटनेस गुरु का हम सभी स्वागत करते हैं। इस अवसर पर GZI कंपनी के फ्रेंचाइजी पार्टनर व प्रशिक्षकों समेत बड़ी संख्या में बॉडी बिल्डर भी उपस्थित रहे। भारत के फिटनेस गुरु इंजीनियर माज खान द्वारा नेपाल देश के फिटनेस गुरु को किया सम्मानित। राजेश पांड्या, निष्पक्ष टुडे, ब्यूरो रिपोर्ट।